चंद्रबाबू नायडू बुधवार को लेंगे शपथ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई सरकार बनने के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो सकता है। ये बजट सत्र भी होगा, क्योंकि पिछली बार चुनाव की वजह से थोड़े समय के लिए ही बजट पेश किया गया था। अब पूर्ण बजट पेश होगा और इसका सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान नए सांसद लोकसभा में शपथ भी लेंगे। वहीं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बाद अब मॉनसून गुजरात पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। मॉनसून के आने से नवसारी और वलसाड समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। अब अगले 5 दिनों तक राज्य के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। मॉनसून साउथ गुजरात के में प्रवेश कर गया है नवसारी तक। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहां पर लाइट से मॉडरेट रेन होगी और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है। एनडीए के सहयोगी और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को आंध्र प्रदेश के नए सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। ये उनका चौथा कार्यकाल होगा। वैसे अपना जिम्मा संभालने से पहले ही चंद्रबाबू ने साफ कर दिया है कि राज्य की राजधानी 3 नहीं बल्कि 1 अमरावती ही होगी। गुजरात में 5 नए विधायकों ने शपथ ले ली। इन्हें विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने विधायक पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अर्जुन मोटवाड़िया भी अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी के विधायक बन गए। इस तरह गुजरात विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 161 हो गई। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के साथ गुजरात विधानसभा की 5 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस से आए 4 पूर्व विधायक और 1 निर्दलीय विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और सभी जीत गए। नीट परीक्षा पर हो रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोपों पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी जवाब मांग लिया। यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक शानदार पहल की है। दरअसल वहां हर थाने के बाहर प्याव और टेंट लगवाए गए हैं, ताकि राहगीरों को गर्मी से बचाया जा सके। पुलिस की इस पहल की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं।